डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास सेवेंथ के लिए इंटीजर्स जो लेसन फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है, और उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन के बारे में, इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीजर्स। आप देखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। ऐसा होल नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी हो, ये दोनों एक साथ अगर लिखा जाए तो वही कहलाता है इंटीजर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इट इज इस एग्जाम्पल को। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जीरो क्या है, तो यह ना निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना निगेटिव और ना पॉजिटिव, ये अलग ही इसका एक रूल है। जीरो के साथ कोई भी इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है। नेगेटिव के साथ एज फॉर एग्जाम्पल -4 इंटू 0 इक्वल टू 0, नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0, एंड पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0, इन जीरो का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब? जब नेगेटिव के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है, और पॉजिटिव नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो हो जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटीजर्स और एग्जांपल के तौर पर कहा जाए कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो जिस नंबर के साथ, जिस होल नंबर के पहले अगर नेगेटिव साइन हो तो वह नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, और जिस होल नंबर के सामने कोई साइन नहीं हो, इट मींस पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में एक छोटा टॉपिक और भी है जो आप प्रीवियस क्लास में पहले से पढ़ चुके हो, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रेडिसेसर इट मींस वन लेस देन ए गिवन इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर्स में अगर वन को हम लेस कर देते हैं तो वह प्रेडिसेसर कहलाता है। यानी -4 एग्जाम्पल के तौर पर, -4 इट इज ए निगेटिव इंटीजर्स, और इसमें -1 लेस करते हैं तो ये -5 हो जाता है, ये प्रेडिसेसर का एग्जाम्पल है। सेकंड, इसका एक और एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसमें -1 लेस करते हैं तो हो जाता है 3, ये भी प्रेडिसेसर का एग्जाम्पल है। दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स में और पॉजिटिव इंटीजर्स में, दोनों कंडीशन में देखा जाए तो अगर 1 लेस करते हैं तो, निगेटिव में लेस करते हैं तो -5 हो जाता है, पॉजिटिव में लेस करते हैं तो 3 हो जाता है। सेकंड, सक्सेसर, वन मोर देन ए गिवन इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर्स में 1 को ऐड कर देते हैं, 1 को जोड़ देते हैं तो वह सक्सेसर कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, -4 + 1 इक्वल टू -3, और पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते हैं 5 + 1 इक्वल टू 6, ये सक्सेसर का एग्जाम्पल है। सक्सेसर का एग्जाम्पल वन मोर देन ए गिवन इंटीजर्स, इट मींस किसी भी इंटीजर्स में 1 ऐड कर देते हैं, चाहे वह निगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो, तो कहलाता है सक्सेसर। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स रिगार्डलेस इट्स साइन। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है वो यह है, इसके अंदर अगर निगेटिव साइन में कोई इंटीजर्स है तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद, यानी इस वैल्यू के बाद, इस साइन के बाहर हम निकालेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाता है। अब एक और एग्जांपल है, इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर दो इंटीजर्स है और वो है एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 और आंसर इस एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद 2 आता है, यानी पॉजिटिव आता है। तो दो इंटीजर्स के बीच में जो साइन होता है वह एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही उसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर बाद में देते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव में हो तो बाद में पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव में ही रहता है। अब रूल्स फॉर एडिशन ये कंडीशन कल हम आपको बताएंगे कि एडिशन का रूल क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का रूल क्या होता है इंटीजर्स के बीच। धन्यवाद।